दो दुल्हनों का ऐसा घेरा जो बनेगा अग्नि फेरा। अब समझने की कोशिश कीजिए, रागिनी ही उनकी वो डोर है जिसे थाम कर वो अपनी याददाश्त वापस ला सकते हैं। मैं ना अनुराग की चिंता करना बंद करो, तुम अपना रिश्ता बचाने का सोचो। दृष्टि जी, मैं ना सब कुछ सच जानते हैं। कौन सा सच जानते हैं? क्या आप हमसे प्यार नहीं करती हैं? हमको सिर्फ मौका ढूंढना है, मौका पाते ही ना अनुराग के सब को जो है वो हवा देना है, जिससे रागिनी का असलियत जो है वो सामने। पहले तो हमारा दोनों बेटा का जिंदगी बर्बाद कर दिया, उन दोनों का काम धंधा भी सत्यानाश करने पर तुली हुई हो। हमें लगता है ये कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, अब एक बार कोर्ट जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। मिस्टर जी, आप कहे फाइल वाइल पे उलझे हुए हैं? अरे हम सृष्टि है ना, हम संभाल लेंगे। आप अरे तुम लोग सब संभाल लो कि वो ठीक है, अगर कोई भी धोखेबाजी हुई तो उसमें मेरी रेपुटेशन, मेरा नाम खराब होगा। मिस्टर जी की सच्चाई और ईमानदारी को देख के ना गुंडे का दिल पिघल गया और उसने वो कॉन्ट्रैक्ट मिस्टर जी के लिए छोड़ दिया। कहानी बहुत अच्छी सुनाई है तुमने। हाँ भैया, आपको है ना किसमिस से एलर्जी है, डॉक्टर साहब ने ना आपको मना किया किसमिस खाने के लिए। छोटा सा किसमिस है ना, आज इस घर में जो है बहुत बड़ा बवाल खड़ा होगा। आओ अनुराग के लिए खीरे बनाना है। खीर भी हम बना लेंगे ना, आपको आराम का जरूरत है, आप जाके आराम कीजिए। आप बस हमें इतना बता दीजिए कि वो खीर में जो है काका डलता है। और हेलो, कौन बात कर रहा है? रमेश जी। हाँ बिल्कुल। अरे आमने सामने बैठ के बात क्लियर कर लेंगे ना, आप आइए तो सही। ये कैमरा है, आप है ना उस रमेश से बात करते हुए सारी बातें रिकॉर्ड कर लेंगे ना, तो जाके कोर्ट में सुना दीजिएगा, फिर है ना हम ही केस जीतेंगे। कहाँ गए साहब? वो मैडम जी का बैग चेक करना है। रागिनी जी, हम आपसे ना हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं कि अगर आप हमारे बेटा जी के बारे में कुछ नहीं ना जानती हैं, तो उसके इस अनपढ़ माँ से एक बार पूछ लीजिए। कहे कि हमारा बेटा पहले से बहुत कुछ झेल रहा है और हम नहीं चाहते हैं कि वो और तकलीफ में पड़े, समझी? आज जो कुछ हुआ उसकी वजह से शायद विशु जी बहुत मायूस हो गए हैं, हम उनसे कल बात करते हैं। देखते हैं ये सोई कि नहीं। विशु जी आप जगे हुए हैं ना? विशु जी। हाँ सृष्टि जी। आप प्लीज बाहर आ सकते हैं, आपसे बात करनी थी। क्या हुआ विशु जी, आप इतने परेशान क्यों हैं? आपने हमें बताया भी नहीं। आपने हमसे वादा किया था कि आप हमें सारी बातें बताएंगे, हम फ्रेंड्स हैं ना? सृष्टि जी, हम ना रागिनी भाभी को लेकर बहुत परेशान हो रहे हैं, हमें ना उनके लिए बहुत बुरा लग रहा है। भाभी अनुराग भैया का ख्याल रखने का कितना कोशिश करती है, पर हर बार माँ उनका मनोबल तोड़ देती है। ए बाबूलाल, फोन लगा के नहीं? फोन तो लग गया है साहब, मगर उठा नहीं रहे हैं। लाइटर दे। हेलो, कौन बात कर रहा है? रमेश, हमारा वार्तालाप सृष्टि जी से हो रहा है का? जी सृष्टि बोल रहे हैं, आप कौन? अरे पूरा जवाहर हमको रमेश पांडे के नाम से इज्जत देता है, आप चाहे तो। मेरा मतलब है कि आपने भी नाम सुना ही होगा। जी हाँ बिल्कुल। और दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, एक महिला का पर्स तो हाथ डाल के चेक करेगा? सृष्टि जी तो इतनी सुंदर महिला है, तुमको आतंकवादी लगती है का? अब आपका सुरक्षा में कोई समझौता नहीं कर सकते ना साहब। कब तुम करोगे हमारी सुरक्षा? हालत देखिए अपनी,
रमेश पांडे नाम है हमारा, रमेश पांडे की सुरक्षा तुम करोगे। लभट देख लो। अरे मैडम जी, हरामखोरों को इतनी भी तमीज नहीं है कि एक पढ़ी लिखी सुंदर महिला के साथ कैसे बात करते। माफ कीजिएगा सिस्टर जी, आपको बेफालतू में इतनी तकलीफ हुई। रमेश जी, अब हम वो बात कर लें जिसके लिए मीटिंग की है। सिस्टर जी, बात एकदम सीधा है। आप हमारे ऊपर मुकदमा कीजिए और आप हार जाएंगे, क्योंकि हमारे पास सारा सबूत गवाह सब मौजूद है। हम वीडियो को भी कोर्ट में पेश कर दें, हमारा पास और भी गवाह हैं, तो ये साबित कर देंगे कि तुम्हारी जेठानी रागिनी सिंह ने ये कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए सारा नियम कानून ताक पे रख दिया। अगर ये बात खुल गई ना, तो ठेका तो हाथ से जाएगा ही जाएगा, बेफालतू में इज्जत भी चला जाएगा। हम रमेश से मिलने गए थे, हमें लगा था बात बन जाएगी, इसलिए हम उससे मिलने चले गए। अरे सृष्टि, तुम नहीं समझती हो। वैसे कहा बोला हूं? तुम सही कह रही हो, रमेश ठीक आदमी नहीं है। काहे का बोला वो दोगला ऐसा? अरे सृष्टि, हमें सारा बात बताओ, कहा बोला? अरे कुछ खास बात नहीं है, हम ना बहुत थक गए हैं रागिनी, बाद में बात करते हैं इस बारे में। हाँ, तुम जाओ जाके आराम करो, हम ना दुलारी दीदी से कहते हैं तुम्हारे लिए चाय बना के भेजेगी एकदम अच्छी वाली, जाओ जाके आराम करो। अरे ओ दुलारी दीदी सुनो। कहाँ सुनो दुलारी दीदी, यहाँ काजी हुजूर करने आएगा तुम लोग का। हे भगवान, कितना खून बह रहा है। तुम यहीं बैठो, हम तुम्हारे लेप बनाकर लेकर आते, बाकी सारी बातें बाद में, ठीक है? तुम यहीं रुको। अरे पा, ये तो बहुत ही अच्छा मौका है देवरानी जेठानी के बीच में महाभारत करवाने का। अरे लेप को छोड़ो, हमने देखो दूध उधिया रहा है, उसको संभालो पहले। अब लगेगा हल्दी और मर्चा का लेप। सारे बाजार तिवारी जी को मार पड़ी, उनका खून बा। अभी मेरी आग है ना, सिर्फ इसको आप ही बुझा सकते हैं। अभी जी आप मेरे गाल पर एक जोरदार तमाचा मारिए। लड्डू के भैया की उम्र लंबी होगी, प्लीज मारिए मुझे। महसूस तो उस तिवारी के बच्चे को हुआ होगा, कान के पर्दे उसके फटे होंगे। अरे ये का है? इससे आप मुझे इतना सूतिए कि आपके लड्डू के भैया के तोते लाल हो जाएं। काम नहीं कर सकते सब। आपको आपके लड्डू के भैया की कसम। आइए फिर। गोकुल के बालकों की जीवन रक्षा हेतु कान्हा स्वयं को माता देवकी का पुत्र घोषित करने का निर्णय करते हैं। ठीक है सखाओ, अब मैं ही हूँ देवकी मैया का लल्ला। मैना, आज तेरे जीवन का सबसे सौभाग्यशाली दिवस है, क्योंकि आज तू अपने लल्ला से मिलेगी। ये मेरा घर है और यहाँ पर तुम जैसे गुनाहगारों की कोई जगह ना थी और ना कभी होगी। गुनाहगार तो आप ही हैं। अगर शहीद को पता चल गया कि आपने उसके पति को अस्पताल से बाहर फकवाया था मरने के लिए, उसके बाद क्या शक्ल देखेगी आपकी मम्मी?